नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 का पांचवा प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये थोड़ा सा बच्चों लंबा सवाल है, इसे ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप समझना तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। सबसे पहला जो काम है बच्चों वो ये है, आपने इसका आखिरी बिना x वाला नंबर देखना है क्या है। यहाँ पर आखिरी नंबर है 2। आपने 2 के फैक्टर सोचने क्या क्या हो सकते हैं, 2 किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 2 के पहाड़े में। तो ये 2 नंबरों के पहाड़े में आता है, दोनों के साथ ही प्लस माइनस लगा दो, दोनों के साथ ही प्लस माइनस लगा दो। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है बार बार कोशिश कर करके देखो कि आपको कहां किस चीज से रिजल्ट मिलता है। तो कहने का मतलब यह है, ये चार वैल्यूज हैं प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ये सारी वैल्यूज अब हमने इस इक्वेशन में डालनी है। ठीक है, मान लो हम इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो हिट एंड ट्रायल से अब क्या करेंगे, पहले मैं पी ऑफ 1 देखता हूं। ठीक है, हमें जीरो चाहिए बेसिकली कि किस वैल्यू को डालने से ये जीरो बन जाएगा। देखो, 1 डालने से होगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। क्या किया मैंने, एक्स की जगह 1 लिखा अभी, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर है 1, 1 इंटू माइनस 2 है माइनस 2। ठीक है, आगे है माइनस 1, आगे है प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0। कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से, गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से क्या है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि P ऑफ 1 0 के बराबर है तो इसका मतलब x माइनस 1 Px का गुणनखंड है। यदि x माइनस 1 Px का गुणनखंड है तो क्या होगा, यदि x माइनस 1 Px का गुणनखंड है तो यह इसे भाग हो जाएगा, ये जो Px है ये x माइनस 1 से भाग हो जाएगा। अब हम करेंगे भाग, यहां तक हमारा क्वेश्चन का एक भाग था, अब दूसरा भाग शुरू हो गया, दूसरा पार्ट शुरू हो गया जिसमें हम भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको भाग करेंगे किससे बेटे, एक्स माइनस 1 से। एक्स माइनस 1 से क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक्स माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो यदि यह इसका गुणनखंड है तो यह इससे भाग हो जाएगा। देखते हैं करके क्या स्टेप्स हैं, याद है आपको भाग कैसे की थी, सबसे पहले पहले नंबर से पहला नंबर भाग कर दो, एक्स क्यूब को एक्स से भाग किया, एक एक्स से दो, एक एक्स कट जाएगा बाकी बच जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स गुना होगा एक्स क्यूब, माइनस 1 गुना एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप क्या था बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका साइन चेंज होगा माइनस। अगला स्टेप क्या था, ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, बाकी क्या बच गया देखो, माइनस 2x² प्लस 1x², माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1x² निकाला 1x², साथ में साइन बड़ी रकम का, माइनस 1 और 2 में से 2 बड़ा है, उसके साथ निशान है माइनस का, आगे से उतारा माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, पहली रकम से पहली रकम फिर से भाग, माइनस 1x² से भाग करेंगे x को, x से एक x कट जाएगा बाकी बचेगा माइनस 1x, ये माइनस 1x यहां लिख दो। अब इसको इससे भी गुना करेंगे और इसको दूसरे नंबर से भी गुना करेंगे, माइनस 1x को x से गुना किया तो ये आ गया माइनस 1x², माइनस इंटू माइनस प्लस 1x को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x। अगले स्टेप में क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, माइनस 1x² से प्लस 1x² कट गया, माइनस माइनस प्लस,
वन एक्स प्लस वन एक्स हो गया 2x, साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस प्लस 2 ऊपर से उतार लिया। अब फिर से पहली रकम भाग कर दो माइनस 2x से x भाग कर दो, x से x कट गया बाकी बच गया माइनस 2, यहां लिख दिया माइनस 2, ये इससे भी गुना होगा और दूसरी रकम से भी गुना होगा। माइनस 2 जब x से गुना होगा तो यह आ गया माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 वन द 2 तो यह आ गया प्लस 2। अगले स्टेप में साइन चेंज, नीचे वाले का ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, माइनस 2x से प्लस 2x कट गया 0, प्लस 2 से माइनस 2 कट गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है बच्चों, ये भाग हो गई, अभी भी हमारे क्वेश्चन का एक भाग ही खत्म हुआ। इससे हमें ये पता चला बच्चों, ध्यान से देखना आप जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो रकम थी मेरी ऊपर वाली बहुपद था, पहले वाला बहुपद था जिसको मैंने px माना था, ये किसके बराबर आएगा? अब इसका एक गुणनखंड आया था 1 यानी x माइनस 1, ठीक है, इसका एक गुणनखंड आया था ये x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड आया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, ठीक है। तो इसका मतलब px किसके बराबर हो गया, x माइनस 1 इंटू, यहां से भी देख सकते हो इस px को भाजक गुना भागफल से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ना, अगर शेषफल 0 है तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2। अब हम इसको आगे हल करेंगे, अभी देखो ये x माइनस 1 है ये तो आगे हल होगा नहीं, इसका हम गुणनखंड निकाल देंगे, इसका हम अभी गुणनखंड निकालेंगे। देखो कैसे, इसके साथ यदि कुछ नहीं है तो 1, यदि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करते हैं, याद होगा आपको गुणनखंड के लिए इस रकम एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम को माइनस 2 से गुना, 1 इंटू माइनस 2 तो ये आ गया माइनस 2, ठीक है। अब इस माइनस 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, ये एक के पहाड़े में आएगा 2 एकम 2, और कोई जोड़ा है नहीं तो यही जोड़ा हम लेंगे। कैसे किया था, पहली रकम ऐसे ही लिखते हैं, आखिरी रकम ऐसे ही लिखते हैं, बीच वाली रकम की जगह ये लिखते हैं 1x और 2x, अभी निशान नहीं लगाए, या निशान माइनस था तो इनके निशान उल्टे होंगे, एक प्लस एक माइनस, ये जो निशान है बड़ी रकम के साथ 2x बड़ा है तो माइनस का निशान 2x के साथ तो ये आ गया प्लस, ये माइनस 2 इसके साथ ही है, ज्यादा दूर लिखा होगा ये साथ ही लिखना है आपने। अब अगले स्टेप में ये एक्स प्लस 1 साथ के साथ उतरता जाएगा, यहां दो जोड़े बन गए, पहला ये दूसरा ये, पहले जोड़े में से 1x स्क्वायर प्लस 1x में से, देखो ध्यान से ये मैं बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूं अब यहां पे, 1x स्क्वायर प्लस 1x में देखो ध्यान से, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, 1 को छोड़े, यहां 2x है यहां 1x है तो x कॉमन, यहां x स्क्वायर में से 1x बाहर चला गया तो 1x बच गया, प्लस 1x में से x बाहर चला गया तो बाकी रह गया प्लस 1, यहां भी माइनस 2 है यहां भी माइनस 2 है तो माइनस 2 कॉमन ले लो, यहां क्या बच गया माइनस 2 कॉमन चला गया बाकी रह गया x, माइनस 2 में से माइनस 2 ही बाहर चला गया बाकी रह गया प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से ये आ गया x प्लस 1, तो ये ऐसे कैसे उतारा, इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है मुझे और यहां से बचा है x, देखो ध्यान से इस रकम में से x प्लस 1 बाहर चला गया तो बाकी रह गया x, और इस रकम में से x प्लस 1 बाहर चला गया तो बाकी बच गया माइनस 2। बच्चों ध्यान से देखना, एक हमसे इसमें गलती हो गई, वो ये कि ये देखिए ये है x माइनस 1, जब हमने इसको अगली लाइन में उतारा तो x प्लस 1 लिख दिया, ये यहां पे एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको x माइनस 1 लिखना है और ऐसे ही अगली लाइन में भी ये जो है ये माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 ये आपका उत्तर है। आई एम सॉरी, ये मुझसे ही गलती हो गई थी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, धन्यवाद। तो देखिए हमारे पास शुरू में एक बहुपद था, हमने इस तरीके से उसको हल करके इसके तीन गुणनखंड निकाल दिए हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको मोटा मोटा बच्चों बता देता हूं, इस क्वेश्चन के तीन भाग हैं। पहले भाग में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू डाल के वो
जीरो के बराबर आता है, उससे आपको यहां पर एक गुणनखंड प्राप्त होगा। फिर दूसरा भाग है जिसमें आपने अपने दिए हुए बहुपद को जो गुणनखंड प्राप्त हुआ उससे भाग करना है। इस भाग को करने से आपको एक भागफल प्राप्त होगा। यहां तक ये इस क्वेश्चन का दूसरा भाग है। ये पहला भाग था जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर आपने एक गुणनखंड निकाला। ये दूसरा भाग है जिसमें आपने अपनी बहुपद को उस गुणनखंड से भाग करने के बाद एक भागफल निकाला। ये तीसरा भाग है जिसमें एक गुणनखंड इन दोनों को गुना करने से आपका पीएक्स बना। तो ये जो आपके पास यहां आया है इसका आप आगे अभाज्य गुणनखंडन करेंगे जिससे आपके पास तीन ब्रैकेट्स आएंगे। हर क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है बच्चों? तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो ये एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ये इस क्वेश्चन के तीन भाग हैं। इनको ध्यान से समझो, आपको जहां से वीडियो ना समझ आए आप फिर से दोबारा रिवाइंड करके समझो। इसके मैं बाकी भाग भी आपको और वीडियोस में भेजूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज देखो कितना सारा हमें लिखना पड़ता है, थोड़ा सा आप भी करना, मेरे वीडियो को लाइक जरूर।